कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 इसके पहले प्रश्न का तीसरा भाग हम करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न का तीसरा भाग है, हमें एक एपी दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 इस प्रकार से और 100 पदों तक। इसका मतलब क्या है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं? 100 पद, ठीक है। हमें इन 100 पदों का योग निकालना है, हमें इन 100 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले जो हमें इस प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले इस एपी का प्रथम पद यानी कि ए हमें दिया हुआ है 0.6। उसके बाद डी, डी यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकलेगा? इसकी इसके दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, तो ये देखिए 1.7, इसमें से हमें 0.6 माइनस करना है। तो जब भी हमें दशमलव माइनस करना होता है तो हमें पता है कि दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव लिखना होता है। अब इसे माइनस कर दो, 7 में से 6 गई 1, सॉरी 1 दशमलव के नीचे दशमलव और 1 में से 0 गया 1। तो इसका मतलब इसमें जो सार्वत्र आया है वो आया है 1.1। इसके बाद जो दूसरी चीज, तीसरी चीज हमें पता है वो है एन। एन कितना है? 100 पदों तक। हमें 100 पदों तक का योग निकालना है, इसका मतलब एन दिया हुआ है 100। इसको भी हम लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का जो योग है उसे हम बोलते हैं एस एन, और उसका फॉर्मूला है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 100 पदों का योग, इसका मतलब एस 100 बराबर होगा एन, एन कितना है 100 बटा 2 गुना 2 गुना a, a है हमारे पास 0.6 प्लस एन, एन है 100 माइनस a इंटू डी, डी है हमारे पास 1.1, ठीक है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। 100 बटा 2, 2 से 100 कट जाएगा 50, तो S 100 हमारे पास आ गया 50 गुना 2 गुना 0.6। 0.6 को जब 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 1.2। देखिए 6 × 12, दशमलव के बाद एक अंक था तो एक छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया, तो 2 को 0.6 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 1.2। इसके बाद 100 में से 1 निकाला 99, 99 को हमें 1.1 से गुना करना है। तो देखिए 99 को 1.1 से गुना करना है, 9 × 9, 9 × 9 और फिर से 9 × 9 और 9 × 9 या 9 × 9 = 18, 1 × 9 = 10। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव एक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो ये आ गया 108.9। अब ये बन गया 50 गुना 1.2 में 108.9 प्लस कर देंगे तो इसमें हम 1.2 को प्लस कर देंगे, 9 × 2 = 11, आंसर आया 1.0 के नीचे बिल्कुल दशमलव, 8 × 1 = 9 × 1 = 10, आंसर आया 1 और ये आ गया 1, तो ये बन गया 110.1। अब इस 110.1 को हमने 50 के साथ गुणा करना है, तो आइए ये है 110.1, इसको 50 से गुना करते हैं। 0 को 1 से गुना किया 0, 0 को 0 से गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0 और 0 को फिर से 1 से गुना किया 0, 5 × 5, 5 को 0 से गुना किया 0, 5 × 5, 5 × 5 क्या आया 0, 5, 0, 5 और 5। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो ये हमारे पास आ गया 5505। 5505
और यदि दशमलव के बाद केवल जीरो हो तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा इस दिए हुए एपी के प्रथम 100 पदों का योग आ गया है 5,505। तो यही पर हमारा सवाल